केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि उसने चुनाव आयोग के उस सुझाव को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है, जिसमें प्रवासी भारतीयों को डाक मत पत्र के जरिए मतदान का अधिकार देने के लिए कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के सुझाव पर अमल के वास्ते आगे कदम उठाने के बारे में सूचित करने के लिए केंद्र को 4 सप्ताह का वक्त दिया है। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद मुकुल राय को पूछताछ के लिए कोलकाता कार्यालय तलब किया है। हालांकि मुकुल राय ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए आज आने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि वो अगले 2 से 3 दिन में अपनी उपलब्धता की जानकारी दे देंगे। राय ने कहा है कि वो सीबीआई के साथ पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। मुकुल राय का नाम आने के बाद से विपक्ष तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र और पड़ोसी जिले उन्नाव में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई और 110 अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए, इन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब पीने से अब तक मलिहाबाद के खड़ता और बंधरा में 8 और उन्नाव में 4 लोगों की मौत हुई है। बीमारों को जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में आयोजित 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की धरती से हिंसा समाप्त होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र हिंसा में शामिल लोगों से बातचीत नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने हत्या के आरोपी इतावली मरीन मासिमी लियानो लातोरे की इटली में रहने की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को भेज दी है। प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की खंडपीठ ने लातोरे की याचिका की सुनवाई से खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया है कि संदर्भ में उसने अपना मत पहले ही व्यक्त कर दिया है, इसलिए अब इसे दूसरी खंडपीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए। लातोरे ने पिछले बुधवार को याचिका दायर की थी। सूरत में आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले में एक गवाह अखिल गुप्ता के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, हत्या के तार आसाराम के मामले से जुड़े हैं या कहीं पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। अखिल स्कूटर से घर वापस आ रहे थे, उसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। रविवार शाम को ही जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार की नीतियों की सूचना जनता तक सीधे पहुंचाने की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। गुवाहाटी में प्रसार भारती से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सूचनाओं के प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया भी सूचनाओं के प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार एक बार फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। अक्टूबर में सिकुड़ने के बाद अब नवंबर में आईआईपी ग्रोथ में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 3.8% हो गई है। वहीं साल 2014 के अक्टूबर महीने में आईआईपी ग्रोथ -4.2% रही थी।